नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूँ सुर संगम में। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, इस धुन के हम अलग अलग तीन पैटर्न देखेंगे और इनको सीख करके और बजा करके आप बहुत अच्छा प्रभाव कहीं पर छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं सुरों की बात करूं तो मैंने यहाँ पर जो स्केल लिया है, यानी मेरी जो शुरुआत होगी, जो मेरा सा है, वो है दूसरी काली, ये सा है। और यहाँ से पहले राउंड में आप देखेंगे तो ऊपर ऊपर के सारे काले बटन हैं, ऊपर ऊपर के सारे काले बटन हैं। तो ये मेरा सा है, तो ये जो काला है ये नी कोमल हो गया, नी शुद्ध, ये है नी कोमल, नी सा। उसी प्रकार से यहाँ पर ये नी सा हो जाएगा, नी सा नी सा। और बीच में मैं जाऊँ तो देखिए ये मेरा हो गया गा कोमल, ये मा, ये पा, गा मा पा, नीसा गामा पा गामा पा। और आगे का भी नीसा है, नीसा गामा पा नीसा सानी पा मगा सा, नीसा गामा पा मगा मा पा मगा सा। तो कुल मिलाकर के आप देखें ये नीसा गामा पा, बस ये ऊपर ऊपर के काले बटन है। पहला पैटर्न हम इसके अंदर ये देखेंगे और उसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे पैटर्न में तो यहाँ पर देखिए ये सा है, यहाँ पर रे कोमल का भी हम प्रयोग करेंगे, गा शुद्ध यानी गा कोमल के बाद में गा शुद्ध, इसका भी प्रयोग करेंगे, माफा धा कोमल का भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। और यही सुर अपने बाकी सारे पैटर्न में काम आएंगे, ठीक है। तो नीचे हमारा नी सा, ये भी नी सा गा माफा, ये हमारा रे कोमल, ये गा शुद्ध गा कोमल के साथ में, ये धा कोमल, इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। अलग अलग तीन पैटर्न हैं। तो सबसे पहली जो धुन है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, क्या हुआ इसमें, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, सा 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 मा 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 गा सा नी सा 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 सा, पहला पैटर्न। उसके बाद में हो तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी, तेरी लीला, माँ से शुरुआत, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, मा 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 गा मा गा मा गा सा नी सा सा सा, ठीक है। अब ये तो हमने सीखने के हिसाब से किया, लेकिन जब हम इसको प्ले करेंगे तो हम पाका या आसपास के स्वर का कर्ण लेंगे। तेरी लीला सबसे प्यारी प्यारी हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी, इस प्रकार से हम इसको प्ले करेंगे, ठीक है। तो एक बार और देखिए, बिल्कुल स्लोली समझ में आ जाएगा। ये ब्लिंक करके बजाएंगे तब, बाकी समझने के हिसाब से तो वही है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी से न्यारी, पा गामा गामा गा सा नी सा सा सा, ये देख लेना, मा पा गामा गामा गा सा नी सा सा सा। फिर उसके बाद में हम अलग पैटर्न पे जाएंगे। तो मैंने कहा था कि रे कोमल, ये गा शुद्ध, मा पा धा कोमल, तो रे और जो धा है वो कोमल हो रहा है, तो इस प्रकार से आप इसको भैरव का प्रारूप मान सकते हैं, लेकिन हम इसमें नी कोमल का प्रयोग करेंगे तो ये अहिर भैरव का प्रारूप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नीसा गामा पा नीसा था, तो आप इसको भीमपलासी मान सकते हैं, इस प्रकार से आप याद रखने के लिए। अब यहाँ से करेंगे, ये मेरा सा है,
सा से मैंने ये सीधा जाऊंगा यहाँ पर धा पर। हो हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम निसारे हरि ओम नमो नारायण, है ना प्यारा अंदाज। ओम नमो धापधा नारायण, धापधा पमगमपा, ओम नमो पमपा नारायण नारायण। और फिर ये मेरा हो गया गा शुद्ध। फिर हरि ओम निसारे हरि ओम नमो निसारे सारे नारायण मागरे सा, इस प्रकार का पैटर्न है। देखिए बिल्कुल स्लोली, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, पम पम धा पम गा सारे गा निसारे सारे मा गा गरे सा। हरि ओम नमो नारायण, ये दो पैटर्न हुए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, शुरुआत होगी। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो इसमें क्या हुआ है, पहला पैटर्न है श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, सा मा 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 गा मा सा गा मा मा मा, सा से मा और फिर मा पे ही खत्म। और फिर उसके बाद में श्रीमन श्रीमन्नारा श्रीमन सा गा धा धा, सा गा कोमल और धा, श्रीमन्नारायण नारायण सा गा धा 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 मा गा मा धा धा धा, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। और फिर गा से शुरू, श्रीमन्नारायण गा मा नी 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 नी, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, धा नी सा नी सा। और फिर श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। और फिर उसके बाद में हम वापस ओम नमो नारायणा हरि ओम नमो नारायणा वाला पैटर्न लगा सकते हैं। तो देखिए मैं तीनों जो पैटर्न हैं इनको मैं बगैर गाए एक बार आपको बजा के बताता हूँ, एक एक को, इसमें आपको समझ में आएगा। पहला जो पैटर्न था ¶¶
ठीक है, ये पहला पैटर्न। अगला क्या हुआ है, सीधा जाएंगे हम धा कोमल पे। ब्लिंग में भर के बजाएंगे तो इस प्रकार से आप आगे का भी स्वर का यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में तीसरा पैटर्न है, इस प्रकार से तीन पैटर्न होते हैं, ठीक है। तैयार करिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसा लगा मेरा ये प्रयास कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।